बहुत फनी सीन हुआ. एज यू गाइस नो कि मैं जाकिर खान के कॉन्सर्ट में गया था. वो वाकई में कॉन्सर्ट लेवल की गिग थी. था तो स्टैंड अप कॉमेडी शो ऑफ कोर्स, पर 2.5 से 3 घंटे का वो स्टैंड अप शो था. 2.5 से 3 घंटे का स्पेशल, कैन यू इमेजिन दैट. और बॉय ने फ्लॉलेसली डिलीवर किया. एनीवे, शो के बाद मैं उससे मिलने गया. बॉय से पीछे ग्रीन रूम में जाके मिला, उसको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी उससे बातें की, बैठ के बहुत देर बातें की. और बातों बातों में गोयल साहब की बात निकली. मैंने बोला पीयूष गोयल, तो वो और उसके सारे दोस्त सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, पीयूष गोयल कौन है, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल. मैंने कहा पीयूष गोयल यार, विपिन गोयल. तो उसको फिर समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ. उसको याद आया कि विपुल गोयल के कॉमेडी शो जो था, इसका जो टीवी शो या नेटफ्लिक्स शो था, ओटीटी शो था, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, द वेब सीरीज, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. या ब्लैंक. तो उसका जो वेब सीरीज था उसमें ही हैज अ जोक वेयर ही हिज नेम इज नॉट बीइंग सेड राइट. इसको विपिन गोयल बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं. तो वो दैट वाज अ जोक आई वाज डूइंग इन माय लास्ट वीडियोस, जो तुम लोगों को भी अकल से पैदल किसी को समझ में नहीं आया. कमेंट में सब चूते, अबे ये क्या बोल रहा है भाई, उसका नाम विपुल है, ये क्या कर रहा है तू, यू आर नॉट अ गुड फैन है, दैट मींस तुम इतने अच्छे फैन नहीं हो, तुम्हें पता नहीं कि उसका ये जोक है जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर. एनीवे, तो आई सेड पीयूष गोयल एंड ही गॉट, जाकिर वाज लाइक ब्रो उनके सामने नहीं बोलना ये, उनसे कभी मिले ना तो उनके सामने नहीं बोलना. आई वाज लाइक ओके व्हाटएवर, आई एम डन with that joke and we'll just call him with his name. So yeah, this is 10 jokes and ladies handbag by Vipul Goyal. Acha, before we progress main thode disclaimers de deta hu. Yahan pe koi family ke sath aayega, mummy papa ya koi combination mein aaya hua hai, koi aaya hua hai to abhi option de raha hu, alag alag baithna hai to baith jao. Hai koi papa aur tu beta aur papa स्कूल आया पापा को, अंकल देख लो अलग अलग बैठना तो बैठे हो कुछ होने वाला है, आप तो एंजॉय करोगे, वो नहीं कर पाएगा बेचारा. आप तो एंजॉय करते ही हो, वो एंजॉयमेंट का तो प्रोडक्ट लेके घूमे हो. डैम, अभी से लड़के का ऑकवर्डनेस शुरू हो गया. आजकल इंडिया में लोगों में गुस्सा बहुत है यार, लोग पब्लिक प्लेस में सामने वाले को कुछ भी बोल देते भाई. मेरा ऑटो वाले से झगड़ा, ऑटो वाले ऐसे बोल रहा है मेरे को, साले तू है कौन, तेरे जसों के मुंह पे मैं थूकू भी नहीं. अब ऐसा कर, मैंने ऐसी को रिक्वेस्ट डाली भी नहीं थी कि प्लीज मुझे अपने रंग में रंग दो आज. मुझे अपनी सुगंध दे दो. व्हाट डू मीन तेरे जसों के मुंह पे थूकू भी नहीं है? इसका मतलब कुछ तो ऐसे लोग है जिनके मुंह पे थूक रहा है और वो तो इसकी गुड बुक्स में है. उनके साथ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है स्पिट्स मिला करके. स्पिट्स मिला बहुत गुस्सा है भाई लोगों में. हम लोग एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लाइन लगी हुई, हर को अपनी टर्न का वेट कर रहा है एटीएम के बाहर. एक अंकल सीधा अंदर घुसने आते, अंकल किधर, मैं अंदर पैसे निकालने जा रहा हूँ. अच्छा, हम यहाँ पार्टी करने आए हैं, हम क्या वोट डालने के लिए खड़े हुए, मैं छोटा पेशाब करना आया हूं. बीजेपी प्रेस टू फॉर बीजेपी प्रेस आउच. अरे भाई, अपनी बेस को क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हारी बेस है भाई. धीरे, मेरा शो भी कैंसिल करवाओगे आप लोग. तो अंकल ने मेरे को धमकी दी, साले तूने हाथ किसको लगाया, अभी एक फोन करूंगा यहाँ पर ट्रक भर के लोग आ जाएंगे. मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले तो ये कौन लोग है फारिक बैठा चूती है जो रोज सुबह नहा धोके ट्रक में खड़े हो रहे हैं. एक कभी भी कॉल आ सकता है, पहुंचना है. ये लोग कितने जॉबलेस है यार, ये लोग टीसीएस को नहीं ज्वाइन कर रहे. गुड वन मूर्ति. हाँ, नारायण मूर्ति वाली कंपनी में बैठे हैं, अभी बेंच में बैठना और दोनों बेंच में लिखा भी टाटा है. ओह, डिफरेंट डिफरेंट. अजय टीसीएस आएंगे भाई लोग, अब सब अमीर लोग आए. एक्चुअली मैं इनको पहले ही फिल्टर आउट कर देता, 1000 रुपए की टिकट रख के. गरीब शो है मत आना, अपन को गरीबी चाहिए नहीं. जो सॉरी, अमीर शो है. टीसीएस का फुल फॉर्म ये है, तुझसे कम सैलरी. वाओ यार, अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, एक बंदी मिल गया यार, मैं उसे पकड़ लिया मुझे यार, पीछे ही पड़ गया एकदम से मेरे को देख के. आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर. मैं कूल प्ले करूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है वीक मेमोरी वाली बंदी का मर्डर करने में. मैंने देखा एयरपोर्ट पे हमें तमीज नहीं यार कि किससे क्या पूछना होता है, क्या डिपार्टमेंट करके चीज होती है राइट.
आजकल आपने देखा एयरपोर्ट के बारे में, एक्चुअली में सीआईएसएफ जवान खड़े रहते हैं, वो मिलिट्री क्लोथिंग में गनमैन लेके खड़ा हुआ है, टेररिस्ट आएगा उड़ाऊंगा। लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल के भाई साहब ये ओला का पिकअप पॉइंट किधर है यार, किधर बताओ ना, किधर है आप बताओ ना, गोली मार दूंगा और बोल दूंगा जेएनयू स्टूडेंट था, समझा, आउच, ओला का पिकअप पॉइंट किधर, ये सब काम है मेरे, उधर राइट लेके पी थ्री, थैंक यू सर, राइट लेके पी थ्री, थैंक यू सर, एक मिनट आपके स्नाइपर वाली दूरबीन में देखो ना मेरी कैब आ गई क्या, मैम को कोई आइडिया नहीं है क्या जोता है, अरे हटा यार, ये फेकनेस ही चली मैम, ये बेडरूम नहीं है आपका प्लीज ब्रो, ब्रो हैज नो चिल, किसी वाला करता हूँ आपके लिए, साउथ के डायरेक्टर राजा मौली ने खरीदी नई गाड़ी वैगन आर आर आर। देखिए मैंने एक चीज नोटिस किया ना, विमेन में फीलिंग्स बहुत है, एक बार मैंने वाइफ के साथ प्लान बनाया संडे को, मैंने मूवी का प्लान बना दिया दोनों का, वाइफ बोला नहीं मैंने ऑलरेडी प्लान बना दिया, अच्छा अच्छा क्या प्लान है, हम घर पे ही रहेंगे और तीन घंटे बैठ के आज तेरी फीलिंग्स डिस्कस करेंगे, उफ भाई साउंड्स एग्जॉस्टिंग, फीलिंग्स डिस्कस करेंगे, सवाल इनके पूरे अपने बारे में होते हैं, पीपल व्हाई डू यू लव मी, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगे, कभी कभी ये लोग कैरिडे हो जाते हैं, व्हाट आर द टॉप 10 थिंग्स यू लाइक अबाउट मी, टॉप 10 वॉच मोजो, वॉच मोजो की वीडियो बन जाती है, क्या मैं दो नहीं सोच पा रहा हूँ, टॉप 10 बताएगा, इनका फिलिंग्स टॉप 10 चल रहा है, डिनाइल में रहते हैं ये लोग, हमारी फीलिंग्स डिस्कस करें तो हमारे फीलिंग्स वाले सवाल तो पूछो, पीपल व्हाट आर द टॉप 10 थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट मी, आप लोग पूछो तो सही, हम 20 बताने को तैयार है, टॉप 10 आप चुन लेना बस, पिटेगा घर जाके ब्रो, घर जाके पिटाई होगी, मैंने एक चीज नोटिस किया, मर्दों की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं, आप लोग ब्रह्मे जी ने, आप शॉपिंग करने चले जाओ, वाइफ ने ड्रेस सेलेक्ट की, वो ट्रायल रूम में चली, मैं बाहर खड़ा, बाकी सारी बहनों मुझे इतने गुस्से में देख रही बाहर, ये कौन परवर्ट हमारे इलाके में घूम रहा है, जो बात है ब्रो यही फीलिंग आती है, पता नहीं का नो मैन्स लैंड है, अभी मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है, जैसे ही वाइफ अंदर ट्रायल रूम में जाते हैं ना, बार बस वाइफ का हैंडबैग लेके खड़ा होता हूं, हैंडबैग, अब सिर्फ उस हैंडबैग से, अब बाकी विमेन मुझे इतनी रिस्पेक्ट की नजर से देखती है, कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा ओनर के साथ है, लावारिस नहीं है, बहुत आला, बहुत आला हो चुकी है, ये अब सेफ है, हां डोमेस्टिकेटेड है, लेंडी कुत्ता नहीं है, कैन बाइट नाउ ही कैन ओनली लिक, मैं आप सारे नोटिस जोक्स पकड़ रहा हूं, बहुत आला, सब जानती है, मां कुछ बोलती नहीं, Holy shit, yeah, he's so fucking brilliant, man. माँ तो सब कुछ देख के भी अनदेखा कर देती है। माँ तो इंडियन जर्नलिस्ट की तरह होती है। Oh shit, ये वाला विपुल गोयल चाहिए मुझे, bro. Balanced. वही आप देख रहे हो, women के handbag का power देख रहे हो आप, just by association. एकदम से परवर से gentleman बन गया उधर। जो बात है। मेरी पूरी image clean हो गई। अगर आप संजय दत्त हो तो handbag राजकुमार हिरानी है। Oh wow, what good joke, man. Wow. A woman's handbag is a man's character certificate. Real किस्सा, एक बार मैं नाइट क्लब के बाहर अकेला खड़ा हूँ, वाइफ का हैंडबैग लेके, वो बाउंसर से हैंडबैग देके अज़ूमी कर लिया के बंदी के साथ, सीधा कपल एंट्री दे दिया, सर गो 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 गो। Nice. उस दिन मुझे रिलाइज हुआ कि हैंडबैग जो है वो आदमियों का मंगलसूत्र है। Oh shit, बहुत आला। जाओ यार, अरे ये हार्मलेस लग रहा है। अबे ये तोड़ फोड़ के नाम पे सिर्फ एफडी तोड़ सकता है, सर गो। The only person calling him daddy is his actual daughter, bro. He is seedha aadmi hai, straight hai. Isko jaane do. Bhaiya, guitar walon ka game expose ho chuka hai, bhai. Main ek baar trial room ke bahar khada hu, handbag leke ek banda Bob Marley ki t-shirt pehen ke guitar leke khada. Ho raha hai, main aapki kasam khake ho raha hu. Sari bandiya mere ko dekh ke smile kar rahi thi yaar. Kyunki handbag mein dikhta hai commitment aur loyalty. Jo baat hai. Guitar mein dikhta hai freelancer. Jobless. Wo guitar wala believe nahi kar paya yaar. उसका छोड़ो जो टी शर्ट में बॉम्ब मार ली था उसका मुंह गला का गला रह गया उधर है क्या हमें कोई घास की नहीं डाल रहा आज हमने तो पूरा करेली घास फूक के बनाया है जो बात है बॉम्ब मार ली बताना सबको नासा साइंटिस्ट बोलो सच में अरे तीन पंप में आउटर स्पेस भेज देते हैं फैक्ट्स
Also, he seems high right now. फटाव नोट आ गया. मैंने कहा इंडिया में जब भी हमारे पास फटाव नोट आता है, it's a moment of inner discovery. आपको पता चलता है अंदर से कितने घटिया इंसान. क्योंकि कोई भी फटाव नोट देख के ये नहीं सोचता इसको बैंक में जाके चेंज कराऊंगा, टेप लाऊंगा. अरे को ये सोचता इस लाश को ठिकाने का लगाना है. पेट्रोल पंप. नहीं नहीं, वहां तो आजकल मोदी जी होर्डिंग से देख रहे डायरेक्ट. नहीं मित्रों, करेंसी के साथ खिलवाड़ सिर्फ मैं करूंगा. मैं आज बहुत एंटाई चल रहा है भाई. भाई ने बोला थोड़ा इमेज बदलता है. 500 का नकली नोट आ गया. काफी नकली था यार वो. काफी नकली था. गांधी जी सिगरेट पी रहे थे यार. What the fuck? जब पीते होंगे नेहरू जी के दोस्त थे, उन्होंने बिगाड़ा होगा यार. हाँ नेहरू जी तो चेन स्मोकर थे. पार्टी एनिमल. छुपाने के लिए तो यहाँ पे गुलाब लेके घूमते थे. वाह. वो उनके टाइम का सेंटर फ्रेश था. अभी उनके लोगों के पास ना ही कुछ फ्रेश और ना ही सेंटर. वाह. गुड जोक. वेरी गुड. ही डज गुड पॉलिटिकल कॉमेडी. देखो कुछ जोक्स में आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा. सारा काम है कहीं ना. फीड नहीं करने वाला हूँ मैं. या कोई बीकॉम वाला बैठा तो अभी बोल रहा हूँ निकल जाओ. आउच ब्रो. बीकॉम वालों की क्या गलती थी. जैम. ही इज ऑन फायर इन दिस वन. जेई मेंस था भी जेई एडवांस और लूंगा आप लोग का. और आप तो शक्ल से स्टेट बोर्ड वाले लग रहे हो मेरे को. प्लीज अग्री. गंद नहीं चाहिए शो में. तो मैं सोच रहा था यार कि मैं रिसर्च कर रहा था कि फाइनली ये सिस्टम में नकली नोट जाते हैं यार. तो मुझे ये पता चला 80% और नकली नोट लोग मंदिर की दान पेटी में चढ़ा देते हैं यार. बहुत हरामी दुनिया है मैम. आपको कुछ आइडिया भी नहीं है. आप इंस्टाग्राम से बाहर तो निकलो. मैम भी लाइक मुझे क्यों पेल रहा है यार. बस कर. आप तो पापा की परी बन के बैठे हो. ये जो मम्मी के टपोरी घूम रहे हैं आपको आइडिया भी नहीं है. मैं सोच रहा हूँ यार डाउट ऑकवर्ड मोमेंट जब भगवान को पता चला नोट नकली राइट. तब तक भगवान उसकी मन्नत ऑडी पूरी कर चुके हैं. इसको एग्जाम में पास करवा चुके हैं. फिर भगवान क्या दिमाग रहा होता. नहीं सर तुम बाप से पंगे ले रहे हो. मेरे को नकली नोट रोक. फिर हमेशा अगले दिन अखबार में न्यूज आती है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम लीक हुए थे जुलाई में. फिर से एग्जाम. चलो भाई सारी दुआ जाया. बहुत सालों. हाँ मैं भी देखो ये मोनोपोली वाला नोट कौन चढ़ा गया यार. साला कल कोई टीसीएस वाला सुरक्षा कूपन डाल के गया इधर. अच्छा अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. एक बार जोरदार ताली हो जाए फोरम के लिए अनुराग भाई के लिए. मस्ती चल रही ठीक है. FIR भी चाहिए. टीसीएस वाले के लिए भी हो जाए. बस उनको ज्यादा चीजों की आदत नहीं है. इनका यहाँ पे भी इन हैंड कम होना चाहिए. वाला भाई कपल ऑफ अनाउंसमेंट. अगर आपको शो अच्छा लगा तो डू रेकमेंड इट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है. आपको आई गॉट यू ब्रो. ट्रक भर के लोग भेजने. आई गॉट यू ब्रो. ट्रक नहीं पर कमेंट्स में भेजूंगा. बाय चांस किसी को फोटो चाहिए हम लोग फोटोज लेंगे बाहर. मैं सबको फोटो दूंगा ठीक है. थैंक यू. एनीवे सबको फोटो दूंगा. मेरे कोई नहीं. एक बार मेरा सीजन 3 हिट हो गया बड़ा आदमी बन गया फिर भूल जाना आप लोग प्लीज. फिर मैं आप जैसों के मुंह पे थूकूंगा भी नहीं. देयर इट इज. देयर इट इज. देयर इट इज. थूकूंगा टोपी वाले भाई साहब. Yes, bro. I am liking it. I am sharing it with fucking 300,000 people. Please go watch his work. I am very shocked to see that Vipul Goyal does not have 1 million subscribers. He should have 1 million subscribers right now. He is way better than 1 million subscribers. सबसे पहली बात. इसकी comedy आसान comedy तो नहीं है. सबसे पहली बात तो ये. दूसरी बात. सबसे पहली बात तो मैं कोई और सी कर चुका हूँ. दूसरी बात ये है. तीसरी बात ये है कि bro, he is such a manjava comedian. His cadence, his delivery, his joke writing is it shows कि ये experienced आदमी है. It shows कि ये true कॉमेडियन है. ये टाइम पास करने के लिए नहीं करता ये आदमी ये काम. ये इसकी जिंदगी है इसकी. विच इज ग्रेट एंड ऑल्सो सैड इन लॉट ऑफ वेज बिकॉज रेशो तो बहुत बुरा है. ज्यादातर कॉमेडियंस जिनकी जिंदगी ही कॉमेडी होती है उनकी जिंदगी जल्दी खत्म होने का बहुत ज्यादा चांस होता है. वो भी अपने ही हाथों से. वो अपने आप को अनअलाइव बहुत जल्दी कर देते हैं. तो समटाइम्स मुझे विपुल गोयल को भी देख के एक वो आती है एक फीलिंग सी आती है कि ही हैज सम सैडनेस इन हिम. ऑल फनी फनी पीपल हैव सैडनेस इन देम. ऑफ कोर्स वी आर इफ यू आर फनी यू ऑलरेडी नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम.
comedy is time plus tragedy. सबको पता है. Yeah, I have some pointers, which is sounds ridiculous, because मुझ जैसा बंदा, विपुल गोयल जैसे बंदे को क्या pointers दे सकता है? But I still have them as a viewer. Of course, not as a comedian. I'm not a comedian. What's with the clothes? What is up with the outfit? Someone has to work on that. Someone has to. कोई आपकी team नहीं है क्या? आपके आसपास लोग वो नहीं होते क्या? आपके आप celebrity आदमी हो. मैं तो जितने comedians से मिले, सबकी entourage होती है, सबके आसपास लोग होते हैं जो उसको guidance दे रहे होते हैं या उसकी help out कर रहे होते हैं चीजों में. So ये what is with the blue jeans and the Indian AF shirt? You can still wear the same things, but just not like this. You know what I'm saying? इस वक्त बॉय का ऐसा देख के लगता है ये unofficial math tutor है किसी 9 क्लास के बच्चे का, जिसको वो पढ़ा भी नहीं पा रहा है मैथ सही से. झूठ बोल रहा है उसके माँ बाप से कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ उसको, और वो जब बच्चा ट्यूशन पाता है तो ये दोनों बैठ के सिगरेटें पीते हैं और ये टाइम जाया करता है. बेसिकली पढ़ाता भी नहीं है बच्चे को, ऐसी बातें करता है इधर उधर की. ये वो वाला टीचर लग रहा है इस हुलिये में, और ये हुलिये में बहुत अरसे देखता आ रहा हूँ. आई नो दैट्स हिज सिग्नेचर वे ऑफ ड्रेसिंग अप, बट मे बी चेंज इट अप नाउ. इट्स बीन सो लॉन्ग, राइट? इट्स बीन अ डेकेड नाउ. मे बी चेंज इट अप. Maybe wear something that's not so. There's no other word for in my. मेरे पास दूसरा word नहीं explain करने के लिए. And I mean no offense by this. Please wear something that's not so Indian, bro. You know what I mean? And this is बहुत सारे लोग बहुत literally ले लेंगे मेरी बात को कि how is this Indian? ये तो jeans और shirt पहनी है, ये चूतिया इसको Indian कैसे बोल रहा है? ये Indian थोड़े तुम समझ नहीं रहे हो, bro. Indian Americans जो है ना वो दूर से एक नजर आ जाता है उनमें कपड़ों का स्टाइल देख के, किस तरह की शर्ट पहनी है. मैं भी गिल्टी हूँ इस चीज का. मैं भी ऐसे कपड़े पहनता हूँ बहुत दफा. मेरी वीडियोज में भी मैंने बहुत दफा ऐसी शर्ट पहनी है. पर उस तरह की चीज को मैंने नाम दिया है, मैंने नाम दिया इंडियन शर्ट. और ये जो भी पहनी हुई ना भाई ने, दैट्स एन इंडियन शर्ट. जिस तरह जींस भी पहनी है, बेल्ट भी लगा हुआ, जिस तरह टक इन, सब कुछ ये हम, मैं हूं ये. इंडियन से मुराद ये देसी, मतलब मैं हूं ये, मैं था ये. नॉट दैट कि आपको जरूरत है. यू गेट मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन योर वीडियोस एंड आई एम श्योर योर शोज आर सोल्ड आउट. यू डू बिग शोज एंड स्मॉल शोज एंड ऑल काइंड ऑफ शोज, बट आई फील लाइक एक स्टैग्नेंसी नजर आ रही है आजकल रिसेंटली. वो स्टैग्नेंसी को हटाने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि थोड़ा चेंज इट अप. मे बी मूव अवे फ्रॉम द फॉर्मल शर्ट और कैजुअल शर्ट एंड जींस टू मे बी मोर स्ट्रीट वेयर टाइप. नॉट क्रेजी, नॉट क्रिंज, not Gen Z, something that suits you. He was on fire today. Tabai machadi aur apni base pe bhi joke ke jo unki base hai jo bahut support karti hai unko, you know, wo wale type ke log un pe bhi joke mare aur thoda sa risk liya bhai ne. Wo risk ek do dafa to chalta hai, bar bar aadat nahi banate na, career kharab ho jayega pura tumhara bhai. He's obviously there's not much that I can say that I haven't already said before. He's so fucking brilliant, such a brilliant joke writer. He's probably one of the, you know, veterans of Indian comedy. So he's up there. He's obviously up there. He's gonna stay there until he retires. So yeah.